हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों के साथ प्रभारी मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और अधिकारियों ने किया योग। कहा, योग से शरीर स्वस्थ और जीवन रहता है संतुलित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में योगाभ्यास हुआ संपन्न। उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयत्न से योग में भारत आज पुनः विश्व गुरु पद पर हुआ प्रतिष्ठित। खोरावा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस तो स्वाइट टीम ने हरियाणा से बिहार ले जा रही लगभग 26 लाख की अवैध शराब को किया जब्त। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया घटना का खुलासा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई ट्रैफिक व्यवस्था की बैठक। कार्य योजना बनाकर यातायात व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक। 30 जून तक लक्ष्य को पूरा करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई शासन के विकास योजना में शामिल 50 लाख से ऊपर की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। स्कूल चलो अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग पहुंचा बस फोड़वा समाज के आशियाने पर। बच्चों को स्कूल भेजने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे ने किया योग शिविर का आयोजन। योग शिविर में जीएम राजीव अग्रवाल सहित प्रमुख विभागाध्यक्षों ने किया योगाभ्यास। बीते 28 दिनों से धरने पर बैठी आशा बहुओं का मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ खत्म। लौटेंगी काम पर। बीपीएड संघर्ष मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने रोका। पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बाद आए वापस नगर निगम परिसर में। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पुरुष प्रेरकों ने चौथे दिन किया अर्धनग्न प्रदर्शन। और गोरखपुर अंडर 12 क्रिकेट लीग में अक्की जूनियर ने टीएनएम जूनियर को 43 रनों से हराया।